हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखने वाले हैं आपके जो पर्सन है, आपके जो प्रिय पार्टनर है, उनकी नाइट एनर्जी, नाइट करंट एनर्जी उनकी क्या होने वाली है। और ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वन सेकेंड, ठीक चलिए देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी इस वक्त आपको लेके करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेके उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उनकी जो भी करंट एनर्जी है आपको बहुत क्लियरली क्लियर शब्द में यहाँ पे सुनने के लिए मिले। और मोस्टली नाइट करंट एनर्जी देखने वाले हैं आज रात। आपके पर्सन जो है नाइट में, रात में आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चलने वाला है। ठीक है, ब्यूटिफुल, एक बड़ा सा मुझे यहाँ पे राउंड शेप दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आज रात कहीं ना कहीं एक चीज़ जैसे रहेगी ना, घूम फिर के वो आप ही के पास वापस आएंगे। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि आप भी ये अनुमान लगा सकते हो, आप भी ये सोच सकते हो कि जितना घूमना फिरना हो गया हो गया, अब वापस ये पर्सन मेरे पास ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई चारा बचा नहीं है, ये कहीं और जा नहीं सकते हैं, इनको कोई और अच्छा लगेगा नहीं, ये किसी के साथ खुश रह ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेटली आज रात आपके पास लौट के आएंगे। आज रात आपके बारे में ही वो ज़्यादातर सोचेंगे। और देखो, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी आपके साथ, बहुत ही जल्दी आपके साथ इंटीमेट होना शायद चाहते थे, उनका ये इंटेंशन था। हो सकता है कि ये इंटेंशन उनका कुछ गलत ना हो, लेकिन मुझे ये चीज़ लगता है कि ये बहुत जल्दी आपके साथ इंटीमेट होना चाहते थे। ठीक है, और आज रात ये अपने आप को, आज रात अपने फीलिंग्स को ये कुछ ना कुछ तरीके से आपको जो है शो करेंगे, आपके साथ जो है अपनी फीलिंग्स कुछ ना कुछ तरीके से शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे कि वो उनको उनका जो फीलिंग्स है वो धीरे धीरे आपके लिए बढ़ने लगा है, तो वो जो बड़ा हुआ फीलिंग्स है आपको दिखेगा। किस तरीके से दिखेगा, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि वो आपके ऊपर ज़्यादा वक्त गुस्सा होके नहीं रह सकते हैं, या फिर आप से बहुत ज़्यादा टाइम बिछड़ के नहीं रह सकते हैं। उनसे ये बिछड़ के रहना या फिर उनसे आपसे गुस्सा होके रहना, ये चीज़ उनसे शायद आज रात ना हो। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो लगा के थोड़ा रखते हैं, देखते हैं क्या होगा। ब्यूटिफुल, चलो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो मैंने लगा के रख दिया है। ठीक है, सो आज रात मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है अपना गुस्सा बहुत टाइम वो आप तक नहीं रख पाएंगे, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो भी उनके दिमाग में चीज़ है वो आपको पोलाइटली बोलने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको बोल के बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट ये करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये अभी इनके दिल दिमाग में आपके लिए ज़्यादा, मुझे एक प्रोटेक्टिव नेचर दिखना स्टार्ट हो रहा है। शायद उनको धीरे 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 शायद उनको ये चीज़ फील हो रही है, उनको ये चीज़ समझ आ रहा है कि आप प्रोटेक्टिव बाय नेचर नहीं हो। आपको लोगों की चालाकी, नेगेटिविटी समझ नहीं आती, क्योंकि आपका खुद का माइंडसेट नेगेटिव नहीं है। आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हो, काफ़ी हद तक पॉजिटिव माइंडसेट में चलते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है उनको कहीं ना कहीं उनको ये फील होगा कि शायद लोगों की टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो आपको लेके काफ़ी हद तक मुझे प्रोटेक्टिव होते हुए, या फिर आपको कुछ किसी के बारे में कुछ जानकारी देते हुए या फिर जानकारी देना चाहेंगे, ये चीज़ मुझे मोस्टली दिख रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ एक होता है ना कि फिजिकल लेवल पे एक होता है कि चीज़ों को शो करना कि देखो कुछ भी हो मैं यहाँ पे
तुम्हारे इर्द गिर्द में, यहाँ पे तुम्हारे आसपास हूँ, तो मुझे वो चीज़ थोड़ा सा दिख रहा है कि फिजिकल लेवल पे वो अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करेंगे, शो करने की कोशिश करेंगे कि मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हारी हेल्प के लिए, अगर कोई भी हेल्प तुम्हें मुझसे चाहिए तो बेशक आके मुझसे बात कर सकते हो, बेशक मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, एज ए फ्रेंड, पार्टनर ना सही, एज ए फ्रेंड आके मेरे से बात कर सकते हो। तो आई थिंक ये आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी मुझे काफ़ी हद तक ये यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी आपके ऊपर चिढ़ जाते हैं हर एक बात को लेके। आपको ऐसा लगता होगा कि क्या हो गया है इस इंसान को, छोटी छोटी बातों के ऊपर मेरे ऊपर इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, शायद ये मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते हैं या फिर उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है। द ट्रूथ इज कि उनको काफ़ी हद तक फीलिंग्स है आपके लिए, वो उस फीलिंग्स को रख रहे हैं, ठीक है, वो उस फीलिंग्स को ख़त्म नहीं कर रहे हैं या फिर वो उस फीलिंग्स को मार नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग से बहुत ज़्यादा ही भाग रहे हैं। इंजेस, अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस है तो हमें ज़रूर दिखाइए। ओके ओके, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने यही चेंज देखा कि क्यों ये पर्सन फीलिंग से भाग रहे हैं, या फिर यहाँ पे थोड़ा मुझे डिस्टर्ब देखा दिखा एनर्जी, तो मैंने पूछा कि क्या चीज़ है। एक्चुअली सच चीज़ तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और स्पेशली जो है अभी इस वक्त अगर उनको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपके लाइफ में आने के लिए या फिर आपको पाने के लिए, तो वो मोस्टली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। उनके हिसाब से ये है कि नो, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़, मैं नहीं करूँगा ये वो, ठीक है, इसी तरीके से। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें आपकी आँखों के सामने उन्होंने किया होगा और आपने देखा होगा जो आपको बहुत बुरा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि सामने वाले को समझ नहीं आता कि हम हर्ट होते हैं उनके एक्शन से, उनकी बातों से, और वो एक ही गलती को बार 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 करते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनको भी समझ नहीं आया कि आप हर्ट हो रहे हो, और कहीं ना कहीं उन्होंने कोई एक ऐसी बात या फिर कोई एक ऐसी गलती है जिसको उन्होंने बार बार किया, जिसकी वजह से आप एक्सट्रीमली हर्ट हुए हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज रात आपके पार्टनर जो है वो आपको पिंक हार्ट भेज सकते हैं, या फिर पिंक से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो मुझे दिख रही है, ठीक है, या फिर आप उनको बड़ा पिंक हार्ट भेजते होंगे, पिंक कलर की शर्ट में आप उनको या फिर वो आपको देख सकते हैं, रिलेटेड टू पिंक मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ही एक ज़िद्दी पर्सनालिटी है, उनकी ये जो ज़िद्दी पर्सनालिटी है वो इतनी मतलब आसान नहीं है कि वो इसको छोड़ दे। आप अगर एक्सपेक्ट करके बैठोगे ये एक दिन अपना ज़िद छोड़ेंगे और मेरे पास आएंगे और मुझे बहुत सारा प्यार करेंगे, तो मतलब ये इतना ज़िद्दी पर्सनालिटी है या फिर इनका माइंडसेट इतना नेगेटिव कभी कभी हो जाता है, ये अपने आप को ही सर्वपरि मानते हैं और किसी को कुछ नहीं मानते हैं। तो आप अगर इस उम्मीद में बैठे हो कि एक दिन वो बदल जाएंगे, तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन आपके जो पार्टनर है मुझे इनका थोड़ा बदलना चांस काफ़ी हद तक कम दिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात ऐसा कहीं ना कहीं होगा कि दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स नहीं रहेंगे, ठीक है, आपको सुन के हाँ बुरा लग सकता है कि दी ऐसा कैसे बोल रहे हैं, लेकिन ये सच है, दोनों की तरफ से मुझे आज इक्वल एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। एक पर्सन की तरफ से मुझे एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हाई और दूसरे पर्सन की तरफ से मुझे एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा लो दिख रही है, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आपकी एफर्ट्स उनकी कंपैरिजन में काफ़ी हद तक जो है ज़्यादा रहेगा और उनका एफर्ट काफ़ी हद तक कम रहेगा, ठीक है। सुन के अगर आपको बुरा लगे आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बोलूँगी। तो जब भी आपको फील हो कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ
और सामने वाला जो पर्सन है वो मेरे लिए उतना नहीं कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ज़्यादा करना कम कर देना है, ठीक है? आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको एक लिमिट तक करना है, और एक लिमिट तक करके जो है आपको फिर छोड़ना है, ठीक है? आप अगर एक लिमिट तक करोगे तो सामने वाले को समझ आएगा कि हाँ भाई ठीक है, ये एक लिमिट तक चीज़ें हो रही है। एक चीज़ मुझे और लग रही है कि आप हमेशा इनके ऊपर एक इमोशनल डिपेंडेंसी आपकी रहती है बहुत ज़्यादा, इसलिए भी आपके सामने अगर और ऑप्शंस आते हैं या फिर दूसरे लोग आते हैं आप उनको देख नहीं पा रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? बाकी आपकी लाइफ में कोई और अप्रोच आ रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी और को एक्सेप्ट करो या फिर किसी और के साथ रहो, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर लग रहा है कि आपका दुनिया जो है इसी इंसान के इर्द गिर्द है, इसलिए अगर भगवान आपके पास कुछ बेटर ऑप्शन भेज भी रहे हैं तो भी आप उसको नहीं देख रहे हो। तो ज़रूर कभी कभी क्या होता है कि हम इंतज़ार करते रह जाते हैं और अच्छा इंसान हम खो देते हैं, तो एक बार ज़रूर कोशिश करना अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान को चूज़ करने का। मैं नहीं बोल रही हूँ ये पर्सन बुरे हैं, लेकिन कभी कभी भगवान हमारे लाइफ में हम जैसा ही कोई ज़रूर भेज देते हैं, ठीक है ना? देखो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि आज रात कोई चीज़ को लेके आप मिसअंडरस्टूड हो सकते हो। मिसअंडरस्टूड मतलब ये कि वो आपको किसी चीज़ में गलत या फिर वो आपको किसी चीज़ में ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं तुम ही गलत हो, ठीक है? आपकी बात सुनेंगे नहीं और आपको अननेसेसरीली जो है वो गलत मानना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको भी काफ़ी हद तक बुरा लगेगा कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, मुझे ही बुरा बोल रहे हैं, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है? ये डेफिनेटली आप एक डिस्टर्ब पर्सनैलिटी बन के रहोगे, आपको चीज़ें बुरी लगेगी। सो आज रात ये थोड़ा हो सकता है, आप अपने आप को शायद आज एक्सप्लेन ना कर पाओ इनके सामने कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आज वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, अपने ही बात को मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, जिससे आप उनके सामने मिसअंडरस्टूड हो सकते हो और वो आपके सामने एक घमंडी पर्सनालिटी जिसके ऊपर आप गुस्सा ही करोगे कि मेरी बात ही सुनते ही नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूंगी कि ये पर्सन ने आपको काफ़ी बार जो है काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट किया है, तो इनकी हर एक बात जो है दिल पे लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे पता है, इवन अगर चाहे आप आज रात देखो, जिस दिन भी रात देखो, अगर आप उनको कांटेक्ट करते हो तो ये आपको अगर डिसअपॉइंट करते भी हैं, ठीक है, तो आप हर एक चीज़ के हर एक बात को उनका बिल्कुल दिल पे ले लेके खुद को तकलीफ़ बढ़ा देते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि इनका वो बोलना या फिर आपको तकलीफ़ देना या फिर आपको परेशान करना वो कांस्टेंट है, लेकिन आप उस चीज़ को जितना अपने दिमाग से निकाल दोगे वो चीज़ जो है उतना ही आपके लिए वर्क करेगा, उतना ही आपके लिए काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन बोलेंगे, उनके मुंह पे आप हाथ नहीं रख सकते हो कि मुझे कुछ मत बोलो, लेकिन इतना ज़रूर आप कर सकते हो कि इनकी बातों को काफ़ी हद तक आप इग्नोर कर सकते हो फॉर योर मेंटल पीस, किस तरीके से खुद खुश रहो, किस तरीके से खुद अच्छा रहो, ठीक है? देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आज रात ऐसा फील करेंगे, कहीं ना कहीं उनकी नाइट एनर्जी ये भी रहेगी कि वो आपको अगर किसी दिन बिल्कुल अबंडन छोड़ के चले गए थे या फिर कहीं पे मिलने के लिए बुलाया था प्रॉमिस करके नहीं आए इस तरीके से, या फिर मतलब जिस तरीके से आपने सोचा था कि ये मुझे ऐसा ट्रीट करेंगे और उन्होंने वैसा ट्रीट नहीं किया, तो मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि मुझे ऐसा यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये पर्सन जो है उस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया था, ठीक है? हो सकता है कि उनको किसी ने सेम चीज़ फील कराया है, बुला के मना कर दिया हो, ठीक है? जब अपने आप के ऊपर नहीं बीतती है ना तो ब्रह्मांड में कोई भी नहीं समझता है, क्योंकि एंड में जाके आपके पार्टनर इंसान ही है, वो थोड़े भगवान है, ठीक है? तो ब्रह्मांड में कोई नहीं समझेगा, तो अपने आप के ऊपर बीतना बहुत ज़रूरी है।
देखो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको काफी हद तक इसीलिए बिलीव करते हैं, इवन आज रात में भी वो आपको इसीलिए ही बिलीव करेंगे। देखो आप अगर अभी उनसे बोलोगे भी ना, तो मतलब मुझे तुमसे प्यार नहीं है, या फिर तुमने मुझे बहुत ज्यादा ही तड़पाया है और मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके बिलीव नहीं करेंगे। आप अगर उनको मना भी करोगे ना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तो भी इनको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी आंखों में वो प्यार देखा है। एक सच्चा प्यार किसी की आंख में देखना बहुत ही ज्यादा रेयर होती है आजकल की दुनिया में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक रियल लव, एक सच्चा प्यार आपकी आंखों में देखा है, तो वो उसी चीज को ही बिलीव करते हैं कि आप ऐसे ही हो। आपने अगर जब आप साथ में थे, जो भी आपकी फीलिंग्स थी, वो जो भी था जेन्युइन था, जैसे उन्होंने आपका मन पढ़ लिया है। ठीक है, अभी तक अगर रीडिंग को आप लोग देख रहे हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जितना स्ट्रॉन्ग इस रिलेशनशिप को बनना था बन गया। ठीक है, मतलब जितने उतार चढ़ाव आने थे इस रिश्ते में आ गया, अब ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं, अब चीजें क्या होगी, अब इसमें स्टेबिलिटी आएगी या फिर एक हैप्पीनेस आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या ऐसा लग रहा है कि उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ पे एक दूसरे की नीड बहुत ज्यादा होने लगती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी नीड काफी होने लगेगी। ठीक है, अगर आप दोनों का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर आप दोनों को पता है कि या फिर आपका वन साइडेड लव है, तो मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आप तक आए। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको वो चाहिए, उस तरीके से थर्ड पार्टी को भी वो चाहिए, तो एक उसका भी जिद है कि वो ये मुझे छोड़ के किसी और के पास ना जाए, मेरे ऊपर इनका हक है, बिल्कुल हक जताना, बिल्कुल लीगली इलीगली एक हद हक जताना मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और एक चीज मुझे लग रही है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ बोला होगा, या फिर आपने अगर उनको कुछ बोला होगा, तो आप दोनों में से किसी का एक जो आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उसके ऊपर बहुत ठेस पहुंची है। ठीक है, मतलब ये कि बिल्कुल ऐसे अंदर से मतलब छी हो गया है कि ये इनको मैं प्यार करता था, या फिर इनको प्यार करती थी जिन्होंने मुझे ऐसा बोला। ठीक है, तो एक उस तरीके की एक एनर्जी मुझे मोस्टली दिख रही है, तो कभी भी उस तक ना जाना ही बेहतर है। आप तो नहीं जाओगे मुझे पता है, लेकिन आपके पार्टनर का बोलूंगी, उस लेवल तक कभी नहीं जाना जहाँ पे आप जिनको प्यार करते हो वो बोले कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ इस तरीके के इंसान, मतलब प्यार नहीं, इंसान को ही वो बिल्कुल छी कर दे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन को डर लगता है आपसे अटैच होने में। ठीक है, उनको ये कहीं ना कहीं लगता है अगर वो आपसे उतना ही अटैच हो गए जितना अटैच आप उनसे हो, तो कल को अगर कुछ हो गया, आपने उनको छोड़ दिया या फिर आप दोनों अलग हो गए, वो तो जी नहीं पाएंगे, तो उनको अटैचमेंट से काफी हद तक डर मुझे दिख रहा है। ठीक है, ओके, इससे ज्यादा और आज रात की एनर्जी में नहीं बताऊंगी। आई होप आपको इतना जो है आज रात तक की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी आपको पसंद आई और आपको समझ आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, सुबह मॉर्निंग रीडिंग पे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।